गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो जैसे कि आपको वीडियो के टाइटल से पता चल गया होगा, आज हम करने वाले हैं इयररिंग्स हॉल। तो मैंने कुछ इयररिंग्स मंगवाई हैं फ्रॉम अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट, एंड मज़े की बात ये है कि सारी इयररिंग्स 100 रुपीज़ 300 है, तो अफोर्डेबल तो है ही, बट हम लोग देखने वाले हैं कि इनकी क्वालिटी एंड ये लुक वाइज कैसे हैं, एंड जो प्राइस हम लोग इसके लिए दे रहे हैं ये वर्थ इट है भी या नहीं। और जैसे कि हमको पता है फेस्टिव सीजन आ रहा है, तो इयररिंग्स की ज़रूरत तो पड़ने ही वाली है। तो मैंने ट्रेडिशनल, फॉर्मल एंड पार्टी वेयर तीनों तरह की इयररिंग्स मंगवाई है। तो बिना कोई देरी के लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो। हॉल स्टार्ट करने के पहले जस्ट वॉन्टेड टू गिव यू सम इन्फॉर्मेशन कि आपको सारे प्रोडक्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, एंड आपको सारे प्रोडक्ट्स के प्राइसेस स्क्रीन पे विजिबल हो जाएंगे, एंड ट्राई ऑन्स भी आपको स्क्रीन पे विजिबल हो जाएंगे। और इनमें से कुछ इयररिंग्स का मैंने इनको कैसे स्टाइल किया है वो मैं इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करने वाली हूँ, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते। सो गाइज, ये वो इयररिंग्स है जिनको मैं रिव्यू करने वाली हूँ। मैंने इनकी पैकेजिंग भी पूरी तरह से रिमूव नहीं की है, ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि पैकेजिंग कैसी आई थी। तो या चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सो गाइस, जो फर्स्ट इयरिंग हम रिव्यू करने वाले हैं दैट इज़ फ्रॉम फ्लिपकार्ट, और ये है गणेशा जी की ऑक्सीडाइज इयरिंग। और इसका ना मेरे को पैकेजिंग काफ़ी सही लगा, एंड इसके साथ आपको एक थैंक यू कार्ड मिल जाता है और आपको एक चॉकलेट मिल जाती है। आई विल शो यू इक्लेयर्स काइंड ऑफ चॉकलेट। तो मेरे को ये काफ़ी स्वीट लगा, ऐसी काइंड ऑफ पैकेजिंग जनरली किसी प्रोडक्ट की रहती नहीं है, तो मेरे को पैकेजिंग तो काफ़ी सही लगी ही, साथ ही में मेरे को इयररिंग्स भी काफ़ी सही लगी। तो गणेशा जी बने हुए हैं, गणेश चतुर्थी आ रही है, तो बेस्ट है उसके लिए। और इसकी क्वालिटी काफ़ी सही है, वेट बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा नहीं है और कैरी कर सकते हैं। स्टोन्स की क्वालिटी अच्छी है, काफ़ी अच्छे से इंटैक्ट किया हुआ है, यहाँ पे त्रिशूल बना हुआ है, शेप बहुत यूनिक है। तो मेरे को ये इयररिंग्स काफ़ी अच्छी लगी, मतलब दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फ्रॉम द हॉल। तो आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो अगर आपको इस तरह की ज्वेलरीज पसंद है ना, लाइक ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, और थोड़ी सी बड़ी है, मतलब मीडियम साइज़ की है, ज़्यादा बड़ी नहीं, ज़्यादा छोटी नहीं। तो मेरे को ये इयररिंग्स काफी अच्छी लगी, तो अगर आपको ऐसे इयररिंग्स पसंद है आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। जो नेक्स्ट इयररिंग्स है दैट इज फ्रॉम वॉयला, आई होप मैं ये ब्रांड का नाम सही प्रोनाउंस कर रही हूँ। तो इसकी पैकेजिंग भी काफी सही थी, एक ऑरेंज कलर के बॉक्स में है, एंड ऊपर फोम शीट्स वगैरह है टू प्रोटेक्ट योर इयररिंग्स। इसके अंदर दो इयररिंग्स है, तो मैं पहले इस इयररिंग्स की बात करने वाली हूँ जो थोड़ी मेरे को ज्यादा पसंद है कंपेयरिंग टू द अदर वन। तो ये कुछ इस तरह की इयररिंग्स हैं, लाइक हैंगिंग इयररिंग्स हैं, एंड मेरे को इसकी क्वालिटी काफ़ी सही लगी, एंड कलर कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा है, ट्रेडिशनल वेयर में काफ़ी अच्छा लगने वाला है। और मतलब क्वालिटी अच्छी है, लाइक ये जो चेन है इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, कलर कॉम्बिनेशन मेरे को काफ़ी सही लगी, काफ़ी अट्रैक्टिव लगी, ट्रेडिशनल वेयर के लिए काफ़ी सही है। तो अगर आपको बोहो ज्वेलरीज पसंद है तो आपको ये बहुत पसंद आने वाली है। मेरे को ये अच्छी लगी, आप बताना आपको ये इयररिंग्स कैसी लगी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इयररिंग विच इज़ अगेन फ्रॉम वॉयला। द इयररिंग आर लाइक दिस, आपको ट्राई ऑन पे दिख रहा होगा, तो काफ़ी छोटी साइज की इयरिंग है। तो इफ़ यू आर समवन जिसको ज़्यादा बड़ी इयरिंग्स पसंद नहीं है, तो आप डेफिनेटली ये देख सकते हो, एंड कलर कॉम्बिनेशन मेरे को अच्छा लगा, लाइक लाइट ब्लू, डार्क ब्लू एंड देन ग्रीन कलर, तो बहुत सारे आउटफिट्स के साथ जाएगा। ऑल दो मेरे को थोड़ी कम पसंद आई, क्योंकि मेरे को इस साइज़ की इयरिंग्स ना थोड़े कम पसंद है, तो मेरे को थोड़े या तो मीडियम साइज़ हो या फिर एकदम स्टर्ट काइंड ऑफ हो वैसा वाले इयररिंग्स पसंद है। मेरे को ये वाले साइज़ के इयररिंग्स थोड़े कम पसंद है, ऑल दो इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और आपको अगर ऐसे इस साइज़ के इयररिंग्स पसंद है तो आप डेफिनेटली बाई कर सकते हो इसको। तो या मैं मतलब आई एम नॉट श्योर वेदर आई एम गोइंग टू कीप इट और रिटर्न इट, आप मेरे को हेल्प करो अपने कमेंट्स के थ्रू कि मेरे को ये रखना चाहिए या रिटर्न कर देना चाहिए। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। सो गाइस, जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ना दैट इज़ फ्रॉम एना क्रिएशन, और मैंने ये अमेजोन से ऑर्डर किए हैं। इसकी पैकेजिंग मेरे को ठीक लगी, ये ऐसे आया था और इसके ऊपर मतलब वो अमेजोन का जो स्टैंडर्ड कार्ड बॉक्स वाला पैकेजिंग नहीं होता है वो था, बट अगर आप इसके अंदर की पैकेजिंग देखो ना, मतलब इयररिंग्स ऐसे ही रखा हुआ है, तो ये ब्रेक होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं ऐसी पैकेजिंग के साथ। तो मेरे को पैकेजिंग उतनी अच्छी नहीं लगी, बट हाँ इयररिंग्स मेरे को अच्छे। सो ये कुछ इस तरह के पर्ल इयररिंग है, तो आप इसको पार्टी वेयर में और ट्रेडिशनल इंडो वेस्टर्न वेयर में बहुत अच्छे से स्टाइल कर सकते हो, फॉर्मल में भी स्टाइल कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द आउटफिट। तो मेरे को ये काफ़ी सही लगी, क्वालिटी भी ठीक है, ज़्यादा बहुत अच्छी नहीं है तो बहुत ख़राब भी नहीं। आपको थोड़ा केयरफुली इसको रखना होगा, क्योंकि पर्ल्स बहुत जल्दी फेड आउट होते हैं, तो आप इसको थोड़े प्रोटेक्टिव वे में रखोगे तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगी।
तो मेरे को ये इयररिंग्स अच्छी लगी। आपको अगर पर्ल्स इयररिंग पसंद है और ऐसी इयररिंग्स पसंद है तो आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। सो गाइस, जो नेक्स्ट इयररिंग है दैट इज़ फ्रॉम ज़ावेरी पर्ल्स। इस ब्रांड का नाम आपने पक्का सुना होगा अगर आपने इयररिंग्स ऑर्डर की है ऑनलाइन। बहुत सारे डिज़ाइन इसके अवेलेबल रहते हैं। इसकी पैकेजिंग भी मेरे को डिसेंट लगी, काफ़ी सही है। ऐसे ब्लैक कलर के बॉक्स में था तो पैकेजिंग भी मेरे को सही लगी, बट मेरे को ये वाली इयररिंग्स थोड़ी कम पसंद आई। आई विल लेट यू नो व्हाई। बहुत सारे वीडियोज़ में मैंने इस इयररिंग्स को देखा था एंड वो देख के ही मैंने ये ऑर्डर किया, क्योंकि सब ने बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज़ दिए थे। तो मेरे को लगा कि ट्रेडिशनल है एंड थोड़ी हैवी भी है तो हैवी आउटफिट्स के साथ बहुत अच्छी जाएगी। बट मैं आपको बताती हूँ रीज़न क्यों मेरे को ये पसंद नहीं आई, कि इसके जो पर्ल्स वाले डिज़ाइन है ना ये काफ़ी अच्छे हैं, बट इसका जो ये वाला पार्ट है ना ये बहुत चीप लग रहा है। वीडियो में मे भी आपको उतने अच्छे से ना दिख रहा हो, बट सामने से अगर आप देखो तो ये बहुत चीप लग रहा है। तो मेरे को ये इयररिंग्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, मैं इनको रिटर्न करने वाली हूँ। तो आई विल नॉट रिकमेंड कि आप ये इयररिंग्स लो। और इसका यहाँ पे थोड़ा सा यू नो ऐसे वायर भी निकला हुआ था, दैट इज़ अ सेकेंडरी पार्ट। मेरे को ये वाला पार्ट इसका बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो आई एम गोइंग टू रिटर्न दिस। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। सो गाइस, जो नेक्स्ट इयररिंग है वो है बाय रूबंस। मैंने ये फ्लिपकार्ट से ऑर्डर की थी एंड ये भी विद इन 300 रुपीज़ है प्राइस। अगेन आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो इसकी पैकेजिंग मेरे को काफ़ी सही लगी, ऐसे बहुत अच्छा क्वालिटी का कार्ड बॉक्स है ये एंड ऊपर रूबंस लिखा हुआ है द कंपनीज नेम। एंड अंदर भी ये इयररिंग्स बबल रैप में रैप होके आई थी, जिससे डैमेज होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स फ्रॉम द हॉल, क्योंकि अगर आप ये इयररिंग देखो ना, लाइक इट्स अ हुप। आप इसको फॉर्मल, ट्रेडिशनल और पार्टी वेयर तीनों में स्टाइल कर सकते हो। जस्ट लुक एट दिस, मतलब क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी है ही एंड लुक वाइज भी इतना सुंदर और इतना क्लासी लगता है ना। तो मेरे को ये, और साइज़ भी ना बहुत बड़े हुप्स भी नहीं है तो बहुत छोटे हुप्स भी नहीं है, एकदम परफेक्ट साइज़ के हुप्स हैं। तो ये मतलब किसी को भी पसंद आ जाएंगे जिनको इयररिंग्स पहनना पसंद है। तो ये मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी। और मतलब विद इन 300 ऐसे इयररिंग्स मिलना इज़ अ वेरी नाइस और ग्रेट थिंग, यू कैन से। तो मेरे को ये इयररिंग्स काफ़ी अच्छे लगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। सो गाइस, जो नेक्स्ट इयररिंग्स हैं दैट इज़ फ्रॉम फ्लिपकार्ट। ब्रांड का नाम इसमें नहीं लिखा हुआ है, बट आपको अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्क्रीन पे विजिबल हो जाएगा। तो इसमें दो इयररिंग्स हैं, दोनों ही ऑक्सीडाइज इयररिंग्स हैं। तो इसमें जो पहली इयररिंग्स मेरे हाथ में आ रही हैं दैट इज़ यू नो टेम्पल काइंड ऑफ डिज़ाइन इयररिंग इफ़ यू सी। और यहाँ पे इयररिंग्स में ना, वन सेकेंड, इयरिंग में अगर आप देखो ऊपर राधे कृष्ण लिखा हुआ है। तो दिस इज़ अ परफेक्ट इयरिंग फॉर दिस फेस्टिव सीजन इफ़ यू लव ऑक्सीडाइज ज्वेलरी। और इसकी क्वालिटी काफ़ी सही है, बहुत हैवी भी है। आई विल नॉट से कि ये बहुत लाइट वेट है, बट टॉलरेबल है। अगर आप इयरिंग्स ज़्यादा नहीं पहनते हो तो भी आप इसको कैरी कर सकते हो। तो ये मेरे को काफ़ी सही लगा। यहाँ ऊपर एक पीकॉक बना हुआ है, यहाँ पे राधे कृष्ण ने ये टेम्पल काइंड ऑफ डिज़ाइन बनाया हुआ है, तो मेरे को ये काफ़ी सही लगा। तो अगर आपको ऐसी इयरिंग्स पसंद है आप डेफिनेटली इसको ऑर्डर कर सकते हो। जो नेक्स्ट इयरिंग है ना वो मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज थी, क्योंकि मैं उसका पिक्चर पहले स्क्रीन पर दिखाना चाहती हूँ। आप स्क्रीन पे जब पिक्चर देखते हो ना, आपको एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये इतने बड़े इयररिंग्स आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, बट ये एक्चुअल में कितने बड़े इयररिंग्स आए आई विल शो यू, जस्ट सी। मतलब दिस वॉज वेरी सरप्राइजिंग टू मी, क्योंकि मैं इतने बड़े इयररिंग्स पहनती नहीं हूँ। तो मैं, मेरे को नहीं पता था कि इतने बड़े आएंगे, मतलब साइज़ में काफ़ी बड़े हैं। ऑल दो इनका वेट काफ़ी कम है, लाइक अगर मैं बोलूँ ना, आई नो यू विल नॉट बिलीव, बट आप ऑर्डर करके देख सकते हो, फिर रिटर्न कर देना नहीं पसंद है तो। बट ये वाले इससे ज़्यादा हैवी है, ये इतने लाइट वेट है, मतलब ये दोनों मिला के उसका एक वेट हो रहा है। तो मतलब अगर आपको बड़े इयररिंग्स पसंद है आप ऑर्डर कर सकते हो। मेरे को पर्सनली बड़े इयररिंग्स उतने पसंद नहीं है, तो आई माइट रिटर्न दिस। ऑल दो डिज़ाइन अच्छा है, क्वालिटी ठीक है, क्योंकि ये स्टोन्स जो है ये इसमें यू नो स्टिक किए हुए हैं, तो ये अगर गिर गए तो इसकी जो लुक है वो थोड़ी सी ख़राब हो जाएगी। तो आई एम नॉट श्योर वेदर आई एम गोइंग टू कीप इट और नॉट। अगर आपको ऐसे इयररिंग्स पसंद है, इतने बड़े बड़े एंड हैवी ज्वेलरीज अगर आपको पहनना पसंद है, तो आप डेफिनेटली ऑर्डर कर सकते हो। तो अदरवाइज मतलब थोड़े से यू नो मेरे पसंद से अलग है, तो इसीलिए। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इयररिंग। सो गाइस, जो नेक्स्ट इयररिंग है ना दैट इज़ नॉट अ इयररिंग, बट दैट इज़ अ स्टड यू कैन से। और ये मतलब वो प्रेस वाले जो इयररिंग्स नहीं आते हैं जिनके पियर्सिंग नहीं है, वो भी इनको पहन सकते हैं, स्टाइल कर सकते हैं। इसका फोटो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, ट्राई ऑन भी दिख जाएगा। तो ये कुछ इस तरह का है, तो आप जस्ट इसको यू नो
अगर आपकी पियर्सिंग नहीं भी है, तो ये कुछ इस तरह का है, तो यू जस्ट नीड टू यू नो ऐसे कान में कहीं पे भी आप ईयर में अपने डाल के इसको प्रेस कर दो, तो ये कुछ इस तरह से आप कहीं पे भी इसको स्टाइल कर सकते हो। बट इसका माइनस पॉइंट ये है कि ये काफ़ी लूज है, आप इसको कितने ही जोर से प्रेस कर लो ये आफ्टर 10 मिनट्स गिर जाएगा। तो मैंने इसको एक बार पहना था बट मेरे को मतलब इतना लूज है ये, इतनी बार गिरा मैंने, इरिटेट होके उसको खोल के रख दिया। तो आई एम नॉट गोइंग टू रिकमेंड दिस, स्टाइल काफ़ी अच्छा है, मेरे को काफ़ी यूनिक लगा। बट अगर आपके पास कोई यू नो तरीका है, इंडियन जुगाड़ है जिससे ये यू नो एक ही जगह स्टेबल रहे, तो आप इसको ज़रूर ले सकते हो और मेरे को भी बता देना कमेंट्स में, क्योंकि मैंने इनको ऑलरेडी यूज़ कर लिया है तो मैं ये रिटर्न भी नहीं कर पाऊँगी। तो मेरे को ये ईयरिंग्स काफ़ी क्वालिटी काफ़ी सही है, बट इतने लूज़ होने की वजह से मैं इनको नहीं पहन पाई। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। सो गाइस, जो नेक्स्ट और लास्ट ईयरिंग है ऑफ द हॉल इज दिस ईयरिंग्स फ्रॉम येलो चिम्स, एंड इसकी पैकेजिंग भी काफ़ी सही थी, ऐसे ब्लू कलर के बॉक्स में था, और अमेजोन का जो वो प्लास्टिक वाला पैकेट नहीं आता है क्या, वो स्टैंडर्ड वाला उसके अंदर था ये, तो इसकी पैकेजिंग ठीक थी। ऑल दो मेरे को बाद में पता चला कि ये बॉक्स एक्चुअली एक रिंग का बॉक्स है, इफ़ यू सी, तो ये एक्चुअली एक रिंग का बॉक्स है, बट चलो प्रोटेक्टिव वे में पैकेजिंग थी तो मेरे को उतना बुरा नहीं लगा, सही है पैकेजिंग। अब देखते हैं प्रोडक्ट कैसा है। तो आपको कुछ इस तरह की यू नो जिपो बैग में ये प्रोडक्ट मिलता है, तो मेरे को ये इयररिंग्स भी काफ़ी सही लगी। तो ये कुछ इस तरह की इयररिंग्स है, तो ये जो इसका ये पिन वाला पार्ट है ये आप अपने पियर्सिंग से अंदर लोगे, एंड देन इट विल बी अ हैंगिंग स्टड। तो आप इसको अगर आपकी डबल या ट्रिपल पियर्सिंग है तो आप इसको क्रिस क्रॉस करके भी बहुत अच्छे से स्टाइल कर सकते हो, ये फॉर्मल पार्टी और यू नो इंडो वेस्टर्न काइंड ऑफ जो बहुत लाइट ट्रेडिशनल वेयर होता है उसके साथ भी काफ़ी अच्छा लगेगा। सबसे ज़रूरी बात, जो स्टोन की क्वालिटी है ना वो अच्छी है, स्टोन बिल्कुल भी चीप लुकिंग नहीं है, बहुत अच्छा है एंड बहुत शाइनिंग है, तो बहुत मेरे को अच्छा लगा ये वाला इयररिंग भी। तो आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो, इवन इफ यू डोंट लाइक इयररिंग्स यू विल लाइक दिस, बिकॉज ये एक हैंगिंग स्टड है, बहुत लाइट वेट है, क्लासी है, तो यू कैन डेफिनेटली बाय दिस। ये था हमारा इयररिंग्स हॉल, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मैंने हर तरह की इयररिंग्स को कवर करने की कोशिश की है। तो अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कौन सी इयरिंग्स अच्छी लगी। मैं अपनी पर्सनल फेवरेट्स बताऊँ तो मेरे को गणेशा वाली, राधे कृष्ण वाली, एंड जो हुप्स थे वो, एंड हैंगिंग स्टड, ये चार इयरिंग्स मेरी फेवरेट थी इस हॉल में। आपकी कौन सी फेवरेट थी, या आपको कौन सी बहुत अच्छी लगी वो मेरे को कमेंट्स में बताइए। शेयर इट टू योर लव्ड वंस एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द बेल आइकन टू स्टे कनेक्टेड एंड गिव योर लव टू मी। बाय बाय।